भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व बिलासपुर सांसद अरुण साव ने रायगढ़ जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर आरोप पत्र जारी करते हुए राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने इन 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का अड्डा बना डाला है। सरकार बनने से पहले घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है और अब तो वे इन वादों पर बात करने से भी कतराते हैं। शराबबंदी के मामले में छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को ठगा गया है। आवास की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, किसान परेशान हैं। ऑनलाइन सट्टा को कांग्रेस की सरकार ने सरकारी संरक्षण प्रदान किया है। इस प्रश्न का उत्तर बार बार मैं दे चुका हूं। चेहरा कौन होगा ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से इस विषय पर निर्णय लेती है, पर मैं आपसे कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर कमल का निशान लेकर चुनाव की तैयारी में जुट गया है। 15 साल लगातार सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। 15 साल छत्तीसगढ़ की जनता ने आशीर्वाद दिया और 2018 में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने लुभावने जन घोषणा पत्र लाया, इतने बड़े बड़े वायदे लोगों से किए और उन वायदों पर जनता को भरोसा दिलाने के लिए गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए। छत्तीसगढ़ की जनता धर्म भीरू जनता है, कांग्रेस के वायदों पर आ गई और जो उन्होंने नारा दिया था वक्त है बदलाव का, उस नारे पर छत्तीसगढ़ की जनता प्रभावित हो गई और आज हालात ये हैं कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल की सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया और आज छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगने और धोखा देने का काम किया। प्रदेश में विकास के सारे काम ठप हैं। ना गांव का कोई विकास हो रहा है, ना कोई शहर का। आप कल्पना करें किसी सरकार का काम का हिसाब का मूल्यांकन, विकास की बात करें, इस सरकार ने 4.5 साल में एक नया प्राथमिक शाला नहीं खोला, एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनाया, तो विकास की कभी नियत इनकी थी नहीं। और ऐसी सरकार जिसका रिपोर्ट कार्ड उस सरकार को देना चाहिए, इसलिए हम आरोप पत्र लेकर आए हैं कि यह सरकार विकास विरोधी है, ये ठगने वाली धोखा देने वाली सरकार है और इसलिए छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के जनता के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 2 परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। पहली परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर को मां दंतेश्वरी के पावन धाम दंतेवाड़ा से निकलने वाली है। उस यात्रा में मैं स्वयं रहने वाला हूं। उस यात्रा का शुभारंभ देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी करने वाले हैं। दूसरी यात्रा जसपुर से निकलेगी, माता खुड़िया रानी का आशीर्वाद लेकर वह यात्रा निकलेगी 16 सितंबर से। उस यात्रा में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नारायण चंदेल जी रहने वाले हैं। उस यात्रा का शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी करने वाले हैं। यात्रा को लेकर कार्यकर्ता में जनता में भारी उत्साह का वातावरण है और निश्चित रूप से उस यात्रा के माध्यम से अभी जो परिवर्तन की हवा छत्तीसगढ़ में चल रही है उसमें तेजी आएगी और छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करेगी। नवंबर के महीने में जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से परिवर्तन होकर कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ेगा। दोनों यात्राओं का समापन 28 तारीख को बिलासपुर में होगा, जिससे यात्रा के समापन के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने जा रहा है। ये 2 यात्राएं हम निकाल रहे हैं और निश्चित रूप से परिवर्तन का आगाज इस यात्रा के माध्यम से हो रहा है। दूसरा विषय जो आपके सामने रखना था, कि आप सबको पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रायगढ़ का आने का कार्यक्रम पूर्व में संभावित था। उप
14 सितंबर को रायगढ़ उनका आगमन हो रहा है। कुछ शासकीय उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम होंगे और उसके बाद एक विशाल आम सभा भारतीय जनता पार्टी की ओर से रायगढ़ में होने वाली है। और 2:45 में वे रायगढ़ आएंगे, शासकीय कार्यक्रम के बाद विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। मैं आप सभी को इस यात्रा प्रधानमंत्री जी के आगमन की जानकारी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी के दृष्टि से आज हमारी बैठक है। बैठक करके प्रधानमंत्री जी की आम सभा के विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का आगमन ऐतिहासिक होगा, विशाल आम सभा होगी, 1 लाख से अधिक लोग उस सभा में आएंगे और निश्चित रूप से प्रदेश की जनता में और हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार प्रधानमंत्री जी करेंगे। प्रधानमंत्री जी के योजनाओं का लगातार लाभ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, आप सबको मालूम है, अनेक योजनाओं को राज्य सरकार ने रोक रखा है या उसकी दुर्दशा कर दी है। प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, हम सबको वो इस अवसर पर आह्वान करने वाले हैं। निश्चित रूप से ये सभा ऐतिहासिक होने वाली है। बहुत धन्यवाद।